नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को दबाकर। और कुछ मेरी वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल को दबाइए जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल फिल्मोराटेक में। मेरा नाम है मोक्ष। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा डबल रोल कैसे बनाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूँ वीडियो का कि डबल रोल कैसा दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इफेक्ट कितना बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि ये इफेक्ट कैसे बनाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले अपना फिल्मोरा ऑन कर लीजिएगा। देखिए मेरा फिल्मोरा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ वीडियो बनाई है, आपको मैं बता दूंगा आपको कैसी वीडियो बनानी है। ये इसको ड्रैग करना है नीचे टाइमलाइन में। तो दोस्तों देखिए, अब क्या करना है आपको, जो वेस्ट वीडियो उसको काट के बिल्कुल प्रॉपर करना है आपको। जो जो चाहिए वीडियो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक। देखिए दोस्तों, आपको बनाना कैसा है, आपको टेबल रखना है अपने, आपके पास आपको बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ट्राईपोड, उसकी मदद से आपको ये वीडियो बनानी है। तो आपको बिल्कुल फोकस रखना है। एक यहाँ पे टेबल रखी है, देखिए वाइट रंग की, इसको ऐसे रखना है टेबल को। यहाँ से क्लिक करके स्प्लिट करना है इसको, हमें इतनी वीडियो ही चाहिए। यह आया करेक्टर, यहाँ बैठा और ये दोस्तों देखिए, आप ये हमारी वीडियो इतनी रखेंगे हम, उसको स्प्लिट कर देना है। अब दोस्तों देखिए, बाकी सारी डिलीट कर देनी है हमारे पास। दोस्तों देखिए, हमारे पास है ये, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब फिर से आपको ये वीडियो ड्रैग करनी है और आप सेकंड वाले टाइमलाइन में। तो दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो टाइमलाइन में ड्रैग हो चुकी है। दोस्तों हमें देखिए, दोस्तों हमारा लेफ्ट साइड तो हो गया, अब हमें चाहिए राइट साइड। ये राइट साइड करेक्टर आपको शूट करना है ऐसे करके दोस्तों। अब देखिए, अब राइट साइड वाला करना है हमें, ये यहाँ से आएगा, इसको काटना है, बाकी वेस्ट को डिलीट मार देना है। दोस्तों आपको करना है कि इस बात का ध्यान, इस बात जरूर रखना ध्यान कि ये वीडियो एकदम से मैच होती हो, जैसे करेक्टर आता है उसके हिसाब से इक्वल रखनी चाहिए, दोनों वीडियो इक्वल होनी चाहिए साइज में और दिखने में भी। तो हमने एक्स्ट्रा काट देना है जितना हमें चाहिए वीडियो में। बस हमें इतना चाहिए। हमें चाहिए बस इतना सा चाहिए हमें दोस्तों, बाकी कट और बाकी वेस्ट डिलीट। दोस्तों इसको इक्वल करने के लिए अब आपको ये आएगा कैसा शेप में आएगा, इसको खेद देना आगे। ये देखिए दोस्तों, इक्वल हो गई वीडियो पर। इसके बाद देख लेते हैं कोई वेस्ट तो नहीं इसमें, नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी हो चुकी है वीडियो इक्वल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं VFX। तो देखिए आपको करना है क्या, राइट क्लिक करना है, एडवांस एडिट पर करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ लिखा होगा क्रोमा क्री ग्रीन स्क्रीन, इस पर करना है अप्लाई, टिक करना है जिससे आ सके, और आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कलर। अभी लिखा होगा इंटेंसिटी लेवल, तो इसको दोस्तों आपको बढ़ाना है, पर इसका ध्यान रखिए कि ये ऐसा ब्लैक ना हो जाए, हट ना जाए। ये देखिए हट जाएगा नहीं तो ऐसा। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, इंटेंसिटी लेवल थोड़ा कम ही थोड़ा देख के रखें, जिससे कि वो जो टेबल है वो उसका कलर जाए ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बीच की हल्की हल्की लाइन मिल चुकी है,
अब और मिटाने के लिए दोस्तों थोड़ी फिनिशिंग लाने के लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। ओके पे क्लिक करना है और अब जाना है आपको फिल्टर पे, यहाँ लिखना है आपको ग्लो, ग्लो के नाम से एक इफेक्ट आएगा दोस्तों, ये देखिए आप। अब हमें फिनिशिंग टच लाना है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले इस वीडियो को जो हमने बना ली है इतनी, इसको आप पहले एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ MP4 में। अब देखिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, जब मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी मैं आपको बता दूँ क्या करना है। तो दोस्तों देखिए मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो दोस्तों जो हमने एडिट करी थी वीडियो इनको डिलीट कर देना है, जो हमने एक्सपोर्ट करी है वीडियो उसको हमें ड्रैग करना है टाइमलाइन में। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो ऐसी है दोस्तों, देखिए थोड़ी फिनिशिंग टच लाना पड़ेगा, तो आपको फिल्टर में जाना है, फिर ग्लो पे ये इधर ड्रैग करना है और यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था आपको, बिल्कुल हट चुका है ये निशान, ये देखिए दोस्तों ये हो चुका डबल। अगर आपको लगता है कि मेरे पे निशान आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। आपको जो इफेक्ट है इस पर डबल क्लिक करना है, ये आ गया ब्लर जितना इफेक्ट का है, ये देखिए आपको इसके उसको आपको अपने वीडियो के हिसाब से सेट कर देना है, जैसे कि मैं करता हूँ 14 पे कर दिया मैंने। ओके ये देखिए ये हट चुका निशान, और ज़्यादा फिनिशिंग टच आ गई। बस आपको इतना ध्यान रखना है वीडियो दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि ये वीडियो बनाते हुए आपको ट्राईपॉड का यूज़ करना है, जिससे आपकी वीडियो बिल्कुल ना हिले, बिल्कुल ही ना हिला। अगर आपकी वीडियो हिली तो आपको आपका लगेगा नहीं इफेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, तो अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छी लेके आऊँगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।